यूपी में 25 साल बाद नागिन ने लिया अपने नाग का ऐसा बदला कि सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि कभी भी नाग नागिन के जोड़े को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि इसका अंजाम बहुत ही खतरनाक होता है। यदि दोस्तों आपसे गलती से भी नाग या नागिन कोई भी मर जाए तो उसे तुरंत जला देना चाहिए, क्योंकि नागिन अपने नाग की आंखों में देखकर ये पता लगा लेती है कि उसके नाग को किसने मारा है, और वो अपना बदला फिर जरूर लेकर ही मानती है। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ यूपी के उस गांव में, जहां 25 साल बाद नागिन ने लिया नाग का ऐसा बदला कि लोगों के रोंगटे ही खड़े हो गए। दोस्तों, ये घटना यूपी के रहने वाले अरुण राणा के साथ घटित हुई। दोस्तों, एक बार अरुण अपने कुछ सहपाठियों के साथ मिलकर स्कूल से वापस घर आ रहा था, तभी अचानक एक नाग उसके रास्ते में आकर बैठ गया और फन फैलाकर हुकारे मारने लगा। ये देखकर अरुण के साथ घर वापस जा रहे सहपाठी काफी डर गए और वहां से भागने लगे, लेकिन कुछ सहपाठी वहां खड़े रहे और अरुण को वापस मुड़कर चलने को कहने लगे, लेकिन अरुण को ऐसा करना कायरता लगी और उसने गुस्से में आकर एक पत्थर उठाया और उस नाग के सर पर दे मारा और नाग वहीं पर मर गया। अरुण इस बात से अनजान था कि उस नाग की नागिन ये सब देख रही है। दोस्तों, इसके बाद अरुण ने उस नाग को उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया और अपने घर चला गया। दोस्तों, जब वो नागिन अपने नाग के पास गई तो अपने नाग को खून में लथपथ देखकर वो नागिन गुस्से में लाल पीली हो गई और अपना सिर जमीन पर मारने लगी। इसके बाद नागिन ने नाग के शरीर को एक जगह पर रख दिया और अपने नाग का बदला लेने के लिए अरुण को ढूंढने लगी। जब नागिन अरुण के गांव में उसके घर के पास पहुंची तो वो अपनी मौसी के साथ एक कार के सामने खड़ा हुआ था। जब तक नागिन वहां पहुंचती, तब तक वो कार में बैठकर अपनी मौसी के साथ मुंबई पढ़ने के लिए चला गया। दोस्तों, अरुण पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया। अरुण की माँ का ब्याह काफी गरीब परिवार में हुआ था, जबकि उसकी बहन ने भागकर किसी बिजनेसमैन से शादी कर ली थी, लेकिन उनको संतान का सुख कभी प्राप्त नहीं हुआ था और इसीलिए उन्होंने अरुण को पालने का फैसला लिया। अरुण का लगाव भी पढ़ाई में ज्यादा होने के कारण उसके माता पिता ने भी अपने दिल पर पत्थर रख कर ये फैसला ले ही लिया। वहीं अरुण भी अपनी मौसी की मेहनत और अपने पिता के दर्द को जीत कर डॉक्टर बन गया। बाहर विदेशों में जाकर अरुण ने कई डिग्रियां ली और वो जानवरों का डॉक्टर बन गया, जिसमें वो सांपों का विशेषज्ञ था। दोस्तों, जब 25 साल के बाद अरुण अपने मौसा मौसी के साथ गांव वापस लौटकर आया तो उसे देखकर सभी के सभी गांव वासी उसका स्वागत करने लगे। सबका इतना प्यार देखकर अरुण काफी प्रसन्न हुआ और अपने बचपन के दोस्तों के साथ खुले मैदान में जाकर बैठकर अपनी पुरानी यादों को ताजा करने लगा। तभी उसकी नजर उस नागिन पर गई, जो कि पूरे तरीके से जख्मी थी। उसके शरीर से रक्त बह रहा था। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी सड़क हादसे का शिकार हो गई हो। जैसे ही अरुण ने उस नागिन को देखा तो उससे रहा नहीं गया और वो अपने घर पे दौड़ कर गया और वहां से उसको पकड़ने का औजार लेकर आया और उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसका इलाज करने लगा। 3 दिन उसका इलाज करने के बाद नागिन पूरे तरीके से स्वस्थ हो गई, लेकिन नागिन की आंखों में तो अरुण की फोटो छपी हुई थी, तो उसने तुरंत ही अरुण को पहचान लिया। दोस्तों, जैसे ही अरुण ने उस नागिन को उठाकर बाहर छोड़ा तो उस नागिन ने तुरंत ही अरुण के पैर को डस लिया। अरुण को डसते ही नागिन तुरंत ही वहां से चली गई और कुछ देर बाद ही अरुण की मौत भी हो गई। इस कहानी ने ये साबित कर दिया कि नागिन अपने नाग का बदला जरूर लेती है,
चाहे उसे अपना बदला लेने के लिए कितने भी जन्म क्यों ना लेने पड़े। दोस्तों, इस घटना के ऊपर आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताएं। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। महादेव शिव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।